राज, क्या मामला हुआ था? पंचायत हुई थी आपके गांव में, क्या मामला था पैसों का लेन देन का? जी, एक दिन पहले हमारे में आपस में मुठभेड़ सी हो गई थी पैसों के ऊपर ही। मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने कहा ऐसे ही गाली गलौज करने लगा। किसने? हन्नान ने। जी, फिर तो मैंने उसके आपस में मारना, दोनों मुठभेड़ सी हो गई थी। तो वापस से हम चले गए थे जी। तो फिर उन्होंने दो दिन बाद पंचायत रखी, वहाँ पर पंचायत में मुझे बुलाया गया। गाँव में? जी, गाँव में शमील के यहाँ पे। इस टाइम उन्होंने मुझे बुलाया, वहाँ पे पंचायत ने जूते मारने का वो रखा था पंचायत। जी, फिर क्या हुआ? वहाँ पे पंचायत में जूते मारे मेरे को 4-5। फिर वहाँ से जब फैसला खत्म हो गया, वहाँ से क्या हुआ था? फैसला में, फैसला में रखा गया था कि 50,000 रुपये हम तेरे दे देंगे। अच्छा, और जूते मारे उन्होंने हमारे। अच्छा, फिर आपने गलती मान ली? जी, मैंने गलती मान के मैं अपने घर पे चला गया था। अच्छा जी, घर पे जाके उसने फिर 10-12 लड़के धारदार हथियार लेकर वहाँ पर उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। जी जी, उसके बाद बेहोश हो गया था। अब क्या चाहते हो आप? अब ये चाहते कि इंसाफ मिले। देखते हैं सरकार क्या करती है। इंसाफ तो पंचायत में मेरे हिसाब से मिल गया होगा। पंचायत में आपको? पंचायत में कुछ नहीं मिला, पंचायत में बस जूते मारे गए और पैसों का पैसे के लिए बोला गया था। तो अब क्या चाहते हैं? पंचायत वालों के खिलाफ भी पंचायत वालों के खिलाफ मुकदमा चले, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्यों चाहते हो पंचायत के खिलाफ भी मुकदमा हो? क्योंकि फिर किस चीज़ की पंचायत है वो? तो वहाँ पर जूते मारे गए, भी इंसाफ भी नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। सर, जोली गांव में एक पंचायत में जूते मारने का मामला सामने आया, सर बता दीजिए। रात ये संज्ञान में आया कि आपस में झगड़ा हुआ है, उसका चिकित्सा परीक्षण कराया गया, विधिक कार्रवाई की गई, ले जाके उनका मुकदमा कायम कराया गया। और ऐसा कोई झगड़े के संज्ञान में तो है, जूते वूते की कोई बात संज्ञान में नहीं। सर, किस धारा में मुकदमा दर्ज किया गया? धारा 307 में संगीन अपराधों में।